1916 में मशहूर गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म हुआ था। सुब्बुलक्ष्मी बचपन में ही कर्नाटक संगीत से जुड़ी थी। इनकी पहली एल्बम महज 10 वर्ष की उम्र में रिलीज हुई थी। सुब्बुलक्ष्मी ने मशहूर संगीताचार्य सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर और पंडित नारायण राव से संगीत की शिक्षा ली। इन्होंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार अपने गायन का प्रदर्शन एक समारोह में किया था। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास संगीत अकादमी गईं, जहां मात्र 17 वर्ष की उम्र में इनका नाम चेन्नई संगीत अकादमी में एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में जुड़ गया। इन्होंने कन्नड़ के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगू, हिंदी, संस्कृत, बंगाली और गुजराती में भी गीत गाए हैं। 1945 में सुब्बुलक्ष्मी ने फिल्म भक्त मीरा में अभिनय भी किया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुब्बुलक्ष्मी को संगीत की रानी बताया, तो वहीं उनके बारे में गांधी जी का कहना था, वह किसी और का गायन सुनने की बजाय सुब्बुलक्ष्मी की आवाज़ सुनना पसंद करेंगे। सुब्बुलक्ष्मी के गाए हुए गाने, खासकर भजन, आज भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनका गाया हुआ भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे आज भी बेहद लोकप्रिय है। 1954 में सुब्बुलक्ष्मी को पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान, 1974 में रेमन मैक्सेसे सम्मान, 1975 में पद्म विभूषण, 1998 में भारत रत्न सम्मान समेत कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1932 में आज ही के दिन डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का निधन हुआ था। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मच्छर की आंत में मलेरिया के रोगाणु का पता लगाकर यह तथ्य स्थापित किया था कि मच्छर मलेरिया का वाहक है। मच्छरों पर काबू पाकर इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। इस खोज ने इलाज में एक नए युग की शुरुआत की थी। भारत के सिकंदराबाद की भीषण गर्मी, अत्यधिक उमस और खुद मलेरिया के शिकार होते हुए भी इन्होंने 1000 मच्छरों का डिसेक्शन किया। बुखार का कोई भी रोगी आता तो रोनाल्ड उसकी उंगली में सुई चुभोकर खून का नमूना लेते और घंटों माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर अध्ययन करते थे। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया की खोज के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में आज के दिन मलेशिया एक नया देश बना था। फेडरेशन ऑफ मलय में उत्तरी बोर्नेयो, सारा वाक और सिंगापुर मिलाकर इस नए देश का निर्माण किया गया। मलय में सिंगापुर का सी मिलाकर मलय को नया नाम मलेशिया दिया गया। मलेशिया मूल रूप से मलय राजशाही से निकला है। 18वीं सदी में मलेशिया राजशाही ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था। 1946 में मलेशियाई प्रायद्वीप के हिस्सों को सबसे पहले मलय यूनियन के तहत एक किया गया। इसके बाद 1948 में इसे फेडरेशन ऑफ मलय बनाया गया। 1957 में मलय को ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी मिली थी। वर्तमान में मलेशिया पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बटा है। पूर्वी हिस्सा सरावाक और सबा इंडोनेशिया से जुड़ा है। इसके बीच में दक्षिणी चीन सागर आता है और फिर पश्चिमी मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर भी पश्चिमी मलेशिया में स्थित है। इस देश में 13 राज्य और 3 संघीय प्रदेश हैं। मलेशिया के संविधान में राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, जबकि धर्म की आज़ादी संविधान में सुनिश्चित की गई है। 1978 में आज एक दिन दक्षिण पूर्वी ईरान में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। खबरों के मुताबिक इस भूकंप में कम से कम 11,000 लोग मारे गए थे। करीब 3 मिनट तक महसूस किए गए ईरान के भूकंप को उस वर्ष का सबसे भयावह भूकंप बताया गया था। भूकंप से तेहरान से करीब 600 मील की दूरी पर स्थित तबस शहर और आसपास के करीब 40 गांव में भारी तबाही हुई थी। तबस शहर के करीब 13,000 निवासियों में केवल 2,000 ही जिंदा बचे थे। और 1986 में आज एक दिन दक्षिण अफ्रीका में एक सोने की खदान में करीब 177 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्वी ट्रांसवाल इलाके में स्थित सोने की खदान की सुरंगों में जहरीली गैस फैल गई थी, जिसकी वजह से खदान में काम करने वाले लोगों का दम घुटने लगा और उनकी मौत हो गई। यह घटना तब घटी जब वेल्डिंग कर रहे एक खनिक के यंत्र से निकली चिंगारी से आग भड़क उठी। यह हादसा दुनिया भर के खदानों के इतिहास में हुआ सबसे भीषण हादसा माना जाता है। हादसे के बाद दक्षिण अफ्रीका के खनिकों की यूनियन ने किनरोस माइंस के मालिकों पर लापरवाही का आरोप लगाया था।